फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस इंग्लिश यूट्यूब क्लास। आई एम टीचिंग यू द पार्ट ऑफ स्पीच एंड इन पार्ट ऑफ स्पीच आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए काइंड ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक प्रकार का शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है, किसी संज्ञा की जगह यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड सो दैट ए नाउन शुड नॉट रिपीटेड। ये इसलिए यूज होता है ताकि एक नाउन रिपीट न हो। नाउन का एक बार यूज हो गया, दोबारा उस नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज होता है ताकि सेंटेंस की ब्यूटी बनी रहे, सेंटेंस का सौंदर्य बना रहे। इसके लिए एक बार नाउन यूज होने के बाद उस नाउन को दोबारा यूज करते हैं, उसके स्थान पर प्रोनाउन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ये इधर सेंटेंस एक उदाहरण है। मिसेज शुक्ला, श्रीमती शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छी टीचर होने के नाते, बीइंग ए गुड टीचर, एक अच्छी टीचर होने के नाते, सी इज लाइक्ड, उसे पसंद किया जाता है। हियर सी, यहां जो सी है वो मिसेज शुक्ला के लिए यूज हुआ है, श्रीमती शुक्ला के लिए यूज हुआ है। श्रीमती शुक्ला दोबारा यूज न हो, इसके लिए उसका प्रोनाउन, इस शुक्ला जो नाउन है, प्रोनाउन नाउन है, उसके स्थान पर सी का यूज हुआ है। तो प्रोनाउन है वो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज होता है ताकि वो संज्ञा बार बार रिपीट न हो। ओके, मिसेज शुक्ला अच्छी टीचर होने के नाते सी इज लाइक्ड, उसे लाइक किया जाता है बाय एवरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन। 10 प्रकार के प्रोनाउन अंग्रेजी में होते हैं और दीज आर द 10 टाइप्स, मैं एक एक करके बता रहा हूं। द फर्स्ट वन इज द पर्सनल प्रोनाउन्स। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिवाचक प्रोनाउन, पुरुषवाचक प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ द पर्सन, ये व्यक्ति के स्थान पर यूज होते हैं, व्यक्ति के नाम की जगह यूज होते हैं। जैसे आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन्स, ये व्यक्तिवाचक प्रोनाउन है। ओके, नंबर टू, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, द वर्ड पजेसिव मीन्स अधिकार। दोज प्रोनाउन्स विच शो द पजेशन और द अदर थिंग्स, वो प्रोनाउन्स जो दूसरी चीजों पर अपना अधिकार प्रदर्शित करते हैं, जैसे माई, योर, ओवर, हिज, हर, इट्स, डियर। माई, योर, हिज, हर, इट्स, डियर, दीज आर द पजेसिव प्रोनाउन, ये अधिकार सूचक प्रोनाउन है। जैसे माई का, योर बैग, हिज स्कूल, हर पेरेंट्स, तो इनसे अधिकार प्रदर्शित होता है। ऐसे प्रोनाउन्स को पजेसिव प्रोनाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स जिनको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शित करना, संकेत करना। दीज प्रोनाउन्स डेमोन्स्ट्रेट द अदर थिंग्स, ये प्रोनाउन्स दूसरे चीजों का संकेत करते हैं, दूसरी चीजों की तरफ इशारा करते हैं। ये है दिस, दे, दीज, दोज। जैसे दिस इज ए कार, दैट इज ए डॉग, दोज आर काउज, दीज आर बफेलोज। सो ये
इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, संकेत बताने के लिए इन प्रोनाउंस को यूज करते हैं, इसलिए इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेत सूचक प्रोनाउन से कहते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड करना, बांटना। वेस्ट सूचक प्रोनाउंस, दीज प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूट द नाउंस, डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स। ये प्रोनाउन किन्हीं चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, इसका मतलब प्रत्येक लड़का लड़कों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द गर्ल्स, आइदर ऑफ द टू पेंस, नाइदर ऑफ द टू रूम्स, नन ऑफ द बॉयज। सो दीज प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूट, ये प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो प्रोनाउंस डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से कहते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक प्रोनाउंस जो किसी कार्य को फोकस करते हैं कि ये कार्यकर्ता खुद ने किया। जैसे आई कैन राइट माई सेल्फ, मैं खुद लिख सकता हूँ। यू कैन डू इट योर सेल्वेज, तुम खुद कर सकते हो। दे कैन डिवाइड इट देम सेल्वेज, सो माई सेल्फ, योर सेल्वेज, देम सेल्वेज, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, दीज आर दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये निजवाचक प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस और इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग का मतलब दबाव डालने वाले। दोज प्रोनाउंस इम्फेसाइज ऑन द सब्जेक्ट, ये प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट पर इम्फेसाइज करते हैं, कार्य करने वाले कर्ता पर जोर डालते हैं। जैसे यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यू योर सेल्फ विल डू इट, तुम खुद ये करोगे, तुम खुद ये जिम्मेदार हो। तो द वर्ड खुद, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माय सेल्फ, दीज आर द इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, ये इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं, दबाव सूचक प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर्स द म्यूचुअलिटी, ये पारस्परिकता को रेफर करते हैं, परस्पर संबंध को बताते हैं, लाइक ईच अदर, वन अनदर। जैसे दे विल डू इट विद ईच अदर, दे विल डिवाइड द एप्पल्स विद वन अनदर। सो each other and one another are telling the mutuality, mutuality बता रहे हैं, पारस्परिकता बता रहे हैं। so reciprocal means पारस्परिक संबंध बताने वाले pronouns। indefinite pronouns, indefinite means अनिश्चित, ऐसे pronouns जो किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं कराते हैं, वो indefinite pronouns होते हैं। जैसे somebody, anybody, nobody, something, everything, nothing, someone, anyone, no one, ये जो प्रोनाउंस है वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, वो किसी भी संज्ञा का बोध नहीं कराते, इसलिए इनको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस टेल्स द रिलेशंस, रिलेटिव प्रोनाउंस है वो रिलेशंस बताते हैं, संबंध बताते हैं। ओके, सो दीज प्रोनाउंस आर, ये प्रोनाउंस है हु, हुज, हुम, विच, वेहर, वे, देर, ये हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस
आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, वो पर्सन पूछते हैं, पर्सन पूछने के लिए जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हु, वाई, हाउ, वेयर, वे, विच, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो पर्सन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। हियर आर दीज टेन टाइप्स ऑफ द प्रोनाउंस एंड विच इज रियली हेल्पफुल इन व्यू पॉइंट ऑफ द एग्जाम्स। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू वन बाय वन इन फुल।